अगर आप मॉनसून सीजन के लिए ऐसा कोई हैक वीडियो ढूंढ रहे हो जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा, प्रैक्टिकल होगा एंड एक्चुअल में काम आएगा, देन दिस वीडियो इज गोना बी द गेम चेंजर फॉर योर लाइफ। सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग दिस। इस मॉनसून सीजन में ना घर में मच्छर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसके लिए आप हैक कर सकते हो। आप तीन तो तेज पत्ते होते हैं वो आप 3 ले लीजिए, उसको इस तरीके से बर्न करें, और जब आप बर्न करोगे ना तब आपको दिखेगा कि इससे धुआं निकलेगा और इस धुएं से ही जो सारे मच्छर है आपके घर की सब भाग जाएगी। अगर मॉनसून सीजन में आपके क्लोजेट के कपड़े से एक डैम्प अजीब सा स्मेल आ रहा है तो इस हैक को ज़रूर ट्राई करना। आपको लेना है एक कॉटन की बैग और इसको इस तरीके से कॉर्नर से कट कर लीजिएगा। अगर आपके पास कोई कॉटन की जो कपड़े है वो है, आप वो भी ले सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने ये हैक ट्राई किया। और मैंने इसके अंदर ऐड किया है 5 से 6 क्लोव्स की, थोड़ा सा मैंने सिनेमन भी ऐड किया है और मुट्ठी भर नीम की पत्ते मैंने यहाँ पर डाला है, और इसको अच्छी तरीके से मैंने रबर बैंड की हेल्प से सिक्योर कर लिया है। और ये जो पोटलिया है ना, इसको आपको आपके क्लोजेट में रखना है। आप देखेंगे कि जो बैड स्मेल की प्रॉब्लम होता है, डैम्प स्मेल आता है क्लोथ से, वो उसकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी मॉनसून में। मॉनसून में आपकी पर्स, आपकी फ़ोन, आपकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए, ताकि वो बारिश के पानी में गीले ना हो जाए, उसको इस तरीके से एक हैक कर सकते हैं। आप एक जो फोल्डर फाइल होता है ना छोटा सा, वो ले लीजिएगा, उसके अंदर आपकी पर्सेस, आपकी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो फ़ोन है, सब कुछ डाल दीजिएगा और इसको आप आपकी बैग में रख दें। ऐसे ही आप देखेंगे अगर बैग भी गीला हो जाए ना तो भी ये गीला नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको फोल्डर फाइल के अंदर रखा है। और गाइस, अगर आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो या फिर ऑफिस जाते हो मॉनसून में स्पेशली, आपकी बैग में एक्स्ट्रा एक कपड़े की सेट रख दीजिए, ताकि अगर आप गीले भी हो जाओगे तो आप जाके ऑफिस में या फिर स्कूल में कॉलेज में जाके आप चेंज कर सकते हैं, और आपको इस तरीके से ना जुकाम की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मॉनसून है और डैंड्रफ नहीं होगा, ये तो मतलब हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा मैं नीम की पत्ते लेती हूँ और उसको मैं सोक करती हूँ अबाउट 2 to 3 आवर्स तक। मैं थोड़ा सा मसल भी लेती हूँ उसको, ताकि अच्छे से इसकी जो एसेंस है पानी में आ जाए, और मैं वेट करती हूँ 2 to 3 आवर्स तक। और उसके बाद इस जो पानी है ना, इसके साथ मैं मिक्स करती हूँ एलोवेरा जूस। ना यहाँ मैंने प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल यूज़ किया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट की जो एलोवेरा जेल यूज़ करते हो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ 5 to 6 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री एसेंशियल ऑयल, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैं मेरी स्कैल्प में पहले अच्छे से लगाती हूँ। उसके बाद जो बच जाता है ना उसको मैं हेयर की लेंथ पर लगाती हूँ, क्योंकि जो एलोवेरा है वो आपकी हेयर को सिल्की शाइनी मैनेजेबल रखने में बहुत हेल्प करते हैं। सो इसको मैं रखने देती हूँ 2 to 3 आवर्स तक। अगर आप 1 घंटे भी रखोगे तो भी अच्छा है, लेकिन स्कैल्प को आपको मेजरली टारगेट करना है। तो इसको 2 to 3 आवर्स रखने के बाद मैं टी ट्री शैम्पू से मेरी जो स्कैल्प है उसको जैसे क्लीन करती हूँ, जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू होता है, स्पेशल टी ट्री अगर होता है तो बहुत अच्छा होता है मेरे लिए। मैं ये पिलग्रिम्स का यूज़ करती हूँ, मतलब ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, बट मैंने इसको PR पे भी मुझे मिला था और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें टी ट्री के साथ ना सैलिसिलिक एसिड भी है जो स्कैल्प को डीपली क्लीन करने में हेल्प करता है। जो एक्सेस बिल्डअप हो जाते हैं, हम जो बाहर निकलते हैं पॉल्यूशन से जो बिल्डअप हो जाता है, उसको भी रिमूव करने में बहुत हेल्प करते हैं। उसके बाद मैं कंडीशनर बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती हूँ मॉनसून में, क्योंकि मतलब मेरा हेयर फॉल ज़्यादा होते हैं। उसकी जगह मैं यूज़ करती हूँ हेयर मास्क, जो मेरी हेयर को मैनेजेबल भी रखता है, सॉफ्ट एंड सिल्की शाइनी भी रखता है, और ये कंडीशनर का भी काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत। मॉनसून में वेदर तो बढ़िया रोमांटिक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पसीने नहीं आते हैं। आपके पसीना, ऊपर से ये एनवायरनमेंट की डैम्प वेदर, ये दोनों मिलकर ना आपकी स्किन में एक अजीब सा टेक्सचर क्रिएट करते हैं, लाइक बम्पी स्किन, इचीनेस, रैशेस, रेडनेस। तो इसके लिए ना टाइम टू टाइम आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं लेती हूँ थोड़ा सा क्रश्ड शुगर, थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर, थोड़ा सा मैं योगर्ट मिक्स करके एक पेस्ट बना लेती हूँ, और उसको मेरी फुल फेस बॉडी पे वीकली एटलीस्ट 2 times तो यूज़ करती ही करती हूँ। इससे ना आपकी डेड स्किन सेल्स भी क्लियर होता है, आपकी स्किन डीपली एक्सफोलिएट होता है, और जो पोर्स के अंदर सीबम, डर्ट जम बैठे हैं ना, उसको निकालने में बहुत हेल्प करेगा, जिससे आपकी क्लियर स्किन मिलेगी, आपकी स्किन ब्रीथ कर पाएगी। सो ब्रेकआउट्स, बम्पीनेस की प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी स्किन क्लियर, ग्लोइंग एंड हेल्दी दिखेगी। मॉनसून में ना कवर शूज कभी भी मत पहनना, इससे आपकी फीट से बैड स्मेल की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि पसीने, ऊपर से ये डैम्प वेदर, और अगर बारिश में गीले हो जाओगे, ये सब मिलकर ना आपकी फीट से एक अजीब सा स्मेल क्रिएट करता है। सो इंस्टेड ऑफ वेयर दिस काइंड ऑफ ओपन सैंडल्स, आप जो बारिश की जो सैंडल्स होता है वो भी आता है, वो भी यूज़ कर सकते हो। ओपन शूज़ पहनने से ना आपकी स्किन जो है वो ब्रीथ कर पाएगी, और फंगल इन्फेक्शन एंड बैड स्मेल की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी।
कि अगर गलती से फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाए या फिर फीट से बैड स्मेल की प्रॉब्लम हो जाए, तो आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल के साथ थोड़ा सा टी ट्री ऑयल मिक्स करके आपकी फीट में मसाज कर सकते हैं। इससे जो फंगल इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा क्योर हो जाएगी, मतलब फुल क्योर हो जाएगी अगर आप 3 to 4 days तक इसको कंटिन्यूसली यूज़ करोगे तो। क्योंकि टी ट्री एसेंशियल ऑयल में एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होता है जो फंगल इन्फेक्शन को बहुत अच्छे से क्योर करने में हेल्प करता है, और फीट से जो बैड स्मेल की प्रॉब्लम है उसको भी क्योर करेगा। मॉनसून में हम सूर्य देवता को नहीं देख पाते, मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी किरणें नहीं आते, वरना सुबह नहीं होता है ना। तो इसके लिए सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि UVA UVB रिस्क तब भी होता है अगर आपको बहुत सा बारिश भी हो रहा है तो। तो इसके लिए आप ऐसा कोई सनस्क्रीन यूज़ करें जो लाइट वेट हो, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाए, और बिल्कुल भी ना वो स्टिकीनेस ग्रीजीनेस किसी को भी नहीं पसंद होता है, तो उसको ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डॉट एंड की का सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल आपकी चॉइस है आप क्या यूज़ करोगे, बट ऐसा है टेक्सचर होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो, नॉन ग्रीजी हो, ताकि क्विकली एब्जॉर्ब हो जाए और वो जो ग्रीजीनेस स्टिकीनेस है वो ना दे स्किन में, दैट्स इट। सो मैं ना ऑयली स्टिकीनेस ग्रीजीनेस के कारण से लोग मॉइस्चराइजर को स्किप कर देते हैं, सोचते हैं कि मॉइस्चराइजर नहीं अप्लाई करेंगे तो स्टिकीनेस नहीं होगा, इससे और भी ज़्यादा स्टिकीनेस होता है, क्योंकि रखने की चक्कर में स्किन को ऑयल ग्लैंड ज़्यादा सीरम प्रोड्यूस करते हैं, इसकी वजह से एक्ने पिंपल्स तो होता ही होता है, और ऊपर से स्किन और भी ज़्यादा ग्रीजी लगने लगता है। सो कंसिडर टू चूज अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर जो बहुत ही क्विकली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा और बिल्कुल भी वो जो स्टिकीनेस ग्रीजीनेस की प्रॉब्लम होता है ना वो नहीं देगा। सो गाइस, यदि मैंने कुछ मॉनसून सीजन के फेवरेट हैक्स जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, एंड आई एम डैम श्योर कि आपने भी कुछ ना कुछ फॉलो जरूर करोगे, या सर अगर करोगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।